देखिए फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र, इसमें राइस का पानी है और किचन वेस्ट के पूरे पील्स है और मैंगो के पील्स है और बनाना के पील्स है। ये हम इसका लिक्विड लेकर सारे प्लांट्स को इसका लिक्विड लेकर छान कर एक मग लिक्विड में इसमें गुड़ भी मिलाया है मैंने और चाय की पत्ती, अंडे के छिलके भी है और इसमें अब मैं दही ऐड करूंगी। एक मग लिक्विड लेकर 10 लीटर की बकेट में पानी भरकर उसमें हम मिक्स करेंगे। मिक्स करकर सारे प्लांट्स को देंगे। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये 5 दिन हुआ इसको मैं किचन वेस्ट और राइस का पानी है, दालों का पानी है और सारे पील्स है, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके, ये सारे है। इसमें नींबू भी है और ऑरेंज भी है। इसमें सारे किचन के वेजिटेबल के पील्स है। इसारों को ये ऑनियन के लीव भी है, ऑनियन भी है, जो ऑनियन ख़राब हो जाती है उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। चाय की पत्ती धोकर उसको इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, इसमें ज़री भी ख़राब स्मेल नहीं आ रही है। ये फर्टिलाइज़र आपको दिखाने के लिए ये वीडियो शेयर करूँगी आपको। आप लोग भी अपने प्लांट्स को दीजिए, अब समर में देना चाहिए। रेनी सीजन आए तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कम देना चाहिए, सिर्फ कंपोस्ट, बोन मील और एप्सम सॉल्ट वगैरह मिट्टी में देना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दही है। दही को मैं अलग निकाल कर इसको भी इसका फंगस आने तक इसको ढक कर रखा था, अब इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब मिलाने से थोड़ी स्मेल आती है। अब देखिए ये गुड़ डालने से इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। इसमें बटरफ्लाई और हनी बीज बहुत आते हैं, इसके स्मेल से प्लांट्स पर बैठकर पॉलिनेशन करते हैं क्रीपर्स को और सारे फ्लावर पर बैठकर हनी भी पॉलिनेशन करते हैं, उसका रस चूस कर जाते हैं, हर प्लांट पर बैठकर रस चूसते हैं। हमें पॉलिनेशन हमारे फीमेल क्रीपर के प्लांट्स में, इसमें बनाना के पील्स भी है, बनाना भी है जो ख़राब हो जाते हैं, बनाना वो भी डाला है मैंने। ये अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है हमारे प्लांट्स को, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, फ्रूट्स भी आते हैं और फ्लावर्स भी अच्छे आते हैं और वेजिटेबल तो बहुत ही अच्छे आते हैं। उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से जूस का काम करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। हमें जो भी हम जूस पीते हैं हमको एनर्जी मिलती है, वैसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी मिलती है। ये देखिए दही जो मैंने डाल दिया इसको मिक्स कर दिया है, अब इसको छान कर निकाल लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, हमारा लिक्विड तैयार हो गया है। फर्टिलाइज़र, फ्रूट फर्टिलाइज़र, वेजिटेबल फर्टिलाइज़र, राइस का जो भी पानी निकलता है, राइस और दालों का, इस सारों को मिक्स किया है मैंने। इसको 5 दिन तक ढककर रखा था। इसमें दही मिलाकर, इसमें चाय की पत्ती, अंडे के छिलके सारे मौजूद है। इस नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, हर चीज़ प्लांट को मिलती है। अब हम इसमें 1-10 लीटर की बकेट में हम डालेंगे, डालकर ये प्लांट्स को देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पान की क्रीपर है, काफ़ी बड़ी दूर तक गई है। इसको ये हम देंगे, ये जूस का काम करता है, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी करता है। देखिए ये पोमोग्रेट अनार का प्लांट है और ये कस्टर्ड एप्पल है। इसको भी हम एक एक मग देंगे। फ्रूट भी अच्छे बड़े आते हैं और अच्छे पकते हैं, मीठे होते हैं बहुत। कस्टर्ड एप्पल का प्लांट है और यहाँ पर मैंगो का प्लांट है, यहाँ पर चेरी का प्लांट है। ये देखिए, इसको भी हम ये देखिए, ये हिबिस्कस का प्लांट है, इसको भी फ्लावर्स आ रहे हैं, इसको भी देंगे। यहाँ पर मलेशिया एप्पल का प्लांट है और ये जैस्मिन की क्रीपर है, इसको भी हम जैस्मिन के क्रीपर पर भी हम अच्छे से ये फर्टिलाइज़र डालेंगे। बहुत बड़ी है ये, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अजान गुलमोहर गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।